हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वंस मोर यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। थीमेटिक वोकैब का एक वीडियो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सराहा, अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग अपने कमेंट्स इसी तरह से मुझे देते रहें, जिससे कि मैं आपकी ज़रूरत का और आपके काम के वीडियो और अच्छे ढंग से बना सकूँ, डाल सकूँ। आप थीम भी हमको सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर थीम पर चाहिए तो आप अपनी थीम हमें सजेस्ट करिए, कुछ वर्ड्स सजेस्ट करिए। आप लोगों की मदद की और हेल्प के बिना ये काम अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो पिछला जो थीमेटिक पैटर्न था वो था इलेक्शन का, जो कि समय के ज़रूरत के अनुसार मैंने किया था। आज का जो हमने थीम उठाई है आज की, वो कंपटीशन के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा उठाई है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो डिफेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC का हो, या बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, या और कोई एग्ज़ाम हो जिसमें अंग्रेजी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन होते हैं। अगर वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नहीं आए तो हो सकता है पैसेज में क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, वर्ड्स आ सकते हैं जो रूल्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक राजा का शासन होता है तो उसको मोनार्की कहते हैं, या अमीर लोगों का शासन होता है उसे हम प्लूटार्की कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, एंडार्की क्या होता है, ओलिगार्की क्या होता है, ठीक है, थियार्की क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं रूल्स एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड, और मैंने देखा है अक्सर एग्ज़ाम में इस तरह के वर्ड्स पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारी थीम है वो वही रूल्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लेकर आए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट की थीम आप सजेस्ट कर सकते हैं, और पिछली वाली थीम इलेक्शन की अगर आपने नहीं देखी हो तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिए लिंक और जाके इलेक्शन वाले वोकैब को पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा था, बहुत यूजफुल वोकैब का वो कलेक्शन था, बड़ी मेहनत से किया था मैंने, ठीक है। तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम आपका निवेश करते हुए आज की थीमेटिक वोकैब। तो जैसे कि आपको पता है आज की हमारी थीम है रूल्स और गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो चलिए रूल्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड सीखते हैं आज। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्शन पर सीखा था, तो देखिए इलेक्शन में तो एक तरफ से वर्ड हमको मिल गए थे, न्यूज़पेपर के वर्ड थे, एडवांस वोकैब होती है, उसमें कुछ रूट से बना हुआ वर्ड था नहीं, लेकिन इस रूल्स और गवर्नमेंट्स वाले सेक्शन में हम लोगों को बहुत सारे रूट से बने हुए वर्ड मिलने वाले हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन रूट्स को हम एक बार एक सरसरी नज़र से पहले देख लेते हैं, फिर जब ये वर्ड्स वहाँ पर आएंगे तो हमको बड़ी आसानी होगी। तो दो मिनट के लिए, या हो सकता है 5 मिनट लगे, हम लोग रूट्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक रूट है हमारा आर्ची, आर्की का मतलब जानते हैं क्या होता है, आर्की का मतलब होता है फॉर्म ऑफ रूल, ठीक है। अब आप बस ऐसे ही देखते चलिए और 2 मिनट में आपका हो जाएगा फॉर्म ऑफ रूल। और रूल में जानते हो कौन आता है, रूल में आता है राजा वगैरह, कि रूल जो वहाँ का है, किसी भी कंट्री का जो रूल है वो उसका फॉर्म क्या है। जब आर्की लगता है तो वो फॉर्म बताता है, रूल का फॉर्म क्या है। और जब क्रैसी लगा होता है तो क्रैसी क्या बताता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बात समझ में आ गई, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसा है, प्रशासन कैसा है, तो इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री वगैरह आ जाते हैं, किस तरह से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है, तो वो क्रैशी हो जाता है। और आर्की लगता है तो वहाँ का रूल का सिस्टम बताता है, ठीक है ना। दो चीज़ें हो गई। कुछ रूल तो आपको बहुत आसान से लगेंगे, जैसे मोनो है, मोनो किसके लिए यूज किया जाता है, वन के लिए लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। डाई है, बाई है, ये किसके लिए लिखा जाता है, ये टू के लिए लगाया जाता है। पेंटा है, तो पेंटा किसके लिए यूज किया जाता है, फाइव के लिए यूज किया जाता है। देखिए इसका यूज है, अभी आपको हो सकता है थोड़ा बोरियत लग रही हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है, लेकिन अब मोनोडाई और पेंटा जैसे ही हर सारे वर्ड नहीं है ना, अभी नीचे बढ़ेंगे आपको बड़े अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे, और बड़े अच्छे इन द सेंस कि आपको आगे चल के उनका काम आएगा, ठीक है। तो उब रहे हो तो उबिएगा बिल्कुल नहीं। पेंटा मैंने आपको बता दिया, पेंटा किस लिए यूज़ किया जाता है, ये फाइव के लिए यूज़ किया जाता है। पोली किसके लिए यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा आपको होगा भी ये पहले से भी पता होगा, पोली मेनी के लिए यूज़ किया जाता है। पैना, ठीक है, पैना या पेंटा कभी लग जाता है, पैना लग जाता है ज़्यादातर जगह, तो ऑल के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। और ऑटो किस लिए लगाया जाता है, ऑटो लगाया जाता है सेल्फ के लिए, तो ये मेन चीज़ होती है सेल्फ के लिए।
लेकिन जब गवर्नमेंट में आ जाता है ना ऑटो वर्ड, तो सेल्फ जब लग जाता है गवर्नमेंट में ऑटो लग जाता है, तो ज़्यादातर ये ऑटोक्रेसी के लिए लगता है या तानाशाही हो जाती है। ठीक है, तो अब एक वर्ड बचा हमारे पास एंडो। एंडो हमेशा क्या होता है, एक इनर बॉडी के लिए। एंडो जहाँ भी लग जाता है वो क्या होता है, एंडो, एंडोक्राइनोलॉजी होती है। ठीक है ना, एंडोक्राइनोलॉजी होती है, वो इनर पार्ट के लिए लगता है, इनर साइड के लिए हमेशा यूज किया जाता है। तो गवर्नमेंट में भी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी एंडो से रिलेटेड। अब थियो है, एक वर्ड थियो है या हैगिया है। थियो और हैगिया जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, गॉड के लिए यूज किया जाता है, या फिर वो रिलीजन के सेंस में यूज किया जाता है। अगर गॉड तो गॉड, नहीं तो रिलीजन के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, और एक रूट वर्ड देखिएगा प्लूटो। प्लूटो किसके लिए यूज किया जाता है, आप समझ लीजिए प्लूटो को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कुबेर। कुबेर का मतलब क्या हो गया जानते हैं ना, वो धन के देवता हैं। तो ये किसके लिए लग जाता है, रिच पीपल मान लीजिए। प्लूटो का मतलब क्या समझिएगा, रिच या वेल्थी पीपल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, प्लूटो हो गया। अब अगला वर्ड हमारा क्या है, गाइन। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ रहा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। गाइन, गाइन किसके लिए यूज किया जाता है बच्चा लोगों, ये यूज किया जाता है वुमेन के लिए। ठीक है ना, स्त्रियों के लिए। कैको, कैको हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, विक्ड या बैड के लिए। ठीक, जहाँ भी लग दिया जाए कैको क्या हो गया, विक्ड हो गया, या फिर आदमी है तो विक्ड हो गया, वस्तु है तो क्या हो जाएगी, बैड हो जाती है। नियो का मतलब क्या होता है, नया। और हमारे यहाँ पर जब हमारा काम है वो क्या है, नया या अनएक्सपीरियंस्ड, जो चीज़ क्या है, अनएक्सपीरियंस, जो पर्सन अनएक्सपीरियंस्ड है, जो किसी फील्ड में नया है, तो उसके पहले क्या लगा देंगे, नियो। ठीक है, नियो लगा देंगे। आगे देखते हैं, एक दो और हैं रूट, उसके बाद हम पढ़ने लगेंगे, अपने सेक्शन पे आ जाएंगे। जेरोंटो, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जेरोंटो किसके लिए लगता है, ओल्ड एज के लिए लगता है। ठीक, समझ गए, जैसे जेरोंटो, जेरोंटोलॉजिस्ट होता है एक, जेरोंटोलॉजिस्ट ऐसे लिखा, जेरोंटो लॉजिस्ट, लॉजिस्ट कौन हो गया, डॉक्टर। तो जेरोंटोलॉजिस्ट कौन होता है, देखिए लॉजिस्ट लगा दिया, ये जेरोंटो लगा दिया, तो जेरोंटोलॉजिस्ट मतलब होता है बुढ़ापे की बीमारियों का डॉक्टर। ठीक है ना, तो जेरोन किसके लिए लगेगा, ओल्ड एज के लिए लगेगा। अब इसी जेरोन में हम क्रेसी लगा देंगे तो जेरोंटोक्रेसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बूढ़े लोगों का शासन, बूढ़े लोगों की गवर्नमेंट। मोबो, मोबो या ओक्लो किसको कहा जाता है, कहीं भी मोबो लिखा हो या ओक्लो लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि वो क्राउड के लिए लगा हुआ है। डेमो किसके लिए लगा होता है, पीपल के लिए होता है, किसी देश की जनता को कहा जाता है, वहाँ के डेमो या पीपल, डेमोस से बना हुआ ये वर्ड है। और क्लेप्टो किसके लिए लगा जाता है, चोरों के लिए लगाया जाता है, थीप्स के लिए या फिर थेफ्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये अभी इतनी बात हो गई, इतने रूट्स हैं, इतने रूट्स से हम लोग अपना काम आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, तो एक एक करके शुरू शुरू में हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, आर्की से स्टार्ट किया है, जैसा कि शुरुआत में पढ़ाया भी था। आर्की का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ, किसका रूल होगा, देखिए हमने एक्सप्लेन करके लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। एक वर्ड लिखा है मोनार्की, तो मोनार्की कई बार पूछा गया, मोनार्की में क्या होता है, रूल ऑफ इनहेरिटेड मोनार्क। इनहेरिटेड मोनार्क का मतलब क्या होता है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, तो उसको कहा जाता है मोनार्क, इनहेरिटेड मोनार्क को कहा जाता है मोनार्की, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, राजतंत्र, राजा का बेटा राजा। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं, दूसरा वर्ड है बायार्की। आर्की मैंने पहले बोल दिया था, आर्की क्या होता है, ये आर्की लगा है ना रूल, तो बायार्की या डायार्की, तो बाई या डाई का मतलब क्या था, टू था। ठीक है ना, टू, तो दो ज्वाइंट रूलर। कभी कभी होता है ना कि कहीं कहीं किसी किसी देश में दो दो रूलर होते हैं, कभी झगड़े की वजह से, कभी प्यार मोहब्बत से साथ में मिलकर के काम कर लेते हैं, तो किसी भी वजह से अगर किसी भी स्टेट के दो दो रूलर हैं, तो अगर दो रूलर हैं तो हम वहाँ क्या कहेंगे, बायार्की या डायार्की। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है पेंटार्की। तो पेंटा किसके लिए यूज किया जाता था, याद है आपको, पेंटा यूज किया जाता था फाइव लोगों के लिए। तो पेंटार्की क्या हो जाता है, एक ऐसा रूल जो फाइव लोग मिलकर के रूल बना रहे हैं, टू पीपल, एक आदमी, फाइव लोग, सिक्स लोग, टेन लोग, जो भी है, जिस हिसाब से जितने लोग हैं गवर्नमेंट में रूल में, उन्हीं के उन्हीं का नंबर लगा दीजिएगा ग्रीक भाषा में या लैटिन भाषा में। पेंटा मतलब पांच होता है, पेंटार्की हो गया। ऐसे ही छः लोगों का होता है तो हेक्सार्की हो जाता है, आठ लोगों का हो जाता है तो ऑक्टार्की हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही अब मान लीजिए बहुत सारे लोगों का गवर्नमेंट है,
मतलब कोई ऐसी गवर्नमेंट, कोई ऐसा रोल है जिसमें सब लोग, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो आपको पता ही है पॉली लिखा हुआ है, पॉली का मतलब क्या हो जाएगा, मेनी, बहुत से लोग मिलकर के गवर्नमेंट चला रहे हैं, बहुत से मिलकर के रूल कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, पॉलीआर्की हो जाएगा। ओलिगार्की, तो ओलिगार्की, ओलिगार्की का मतलब जानते हैं फ्यू पीपल होता है। जब ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, याद रखिएगा, ओलिगार्की कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में और एनडीए सीडीएस के एग्ज़ाम में भर भर के पूछा जाता है ये वाला। ओलिगार्की का मतलब होता है फ्यू पीपल, रूल ऑफ फ्यू पीपल, या आप ये देख लीजिए स्मॉल ग्रुप, यही वाला एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। जब ऑप्शन में मिलता है आपको तो स्मॉल ग्रुप लिखा होता है, रूल ऑफ ए स्मॉल ग्रुप, तो आपको ऑप्शन ढेर सारे रहेंगे, उसमें पॉलीआर्की भी रहेगा, ओलिगार्की भी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होगा तो क्या होगा, ओलिगार्की होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे सारे रूट हुए नहीं। पेंटा मैंने बोला था, मैंने क्या, आल या पैना, पेंटा या पैना किसके लिए लगता है, आल, तो जिसमें सब गवर्नमेंट हो, सब लोगों का शासन हो, सभी लोग गवर्नमेंट हो, या इसको आप कह सकते हो यूनिवर्सल रूल, हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये जो पेनार्की है या पेंटार्की है, ये केवल एक आइडियल स्टेट होती है, यूटोपिया आप कह सकते हो, ये एक आइडियल स्टेट है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी तक दुनिया के किसी भी संसार में, दुनिया के किसी भी स्टेट में, किसी भी पीरियड में पेंटार्की या पेनार्की रही नहीं है, ये एक आइडियल स्टेट है। चलिए दूसरा लेते हैं हम लोग, अटार्की। अटार्की में क्या लगा हुआ है, देखिए ऑटो लगा हुआ है, किस वर्ड से बना हुआ है, ये ऑटो वर्ड से बना हुआ है। ऑटो मैंने आपको बताया था कि ऑटो मैंने सेल्फ होता है, और ये तानाशाही की ओर ले जाता है, आपको इंडिकेट करेगा। तो क्या है, रूल ऑफ अ पर्सन विद अनलिमिटेड पावर, रूल ऑफ अ पर्सन विद अनलिमिटेड पावर, आप हिटलर का शासन समझ सकते हैं इसको। तो हिटलर का क्या था, दूसरे नाम क्या होता है, डिक्टेटरशिप होता है, अटार्की होता है, टोटलिटेरियनिज्म होता है, तो सब यही सारा होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अटार्की के ऊपर बढ़ते हैं, हमारा अगला जो वर्ड है आर्की में, तो अटार्की के बाद आता है एंडार्की। तो मैंने एक बोला था अभी थोड़ी देर पहले, एंडो, जहाँ भी एंडो लगा होता है तो क्या होता है, इनर, इनर। तो ये देखिए लिखा हुआ है, रूल ऑफ इनर सेंटर ऑफ कंट्रोल, क्या है, इनर सेंटर ऑफ कंट्रोल, मतलब राजा कोई और होता है और उसका कंट्रोलिंग पावर, जो मेन चीज़, जो मेन कंट्रोल कर रहे होते हैं, या ये कह सकती हो कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है, एक इनर सेंटर होता है, एक परिषद होती है, कुछ लोगों, कुछ लोग मेंबर होते हैं उसमें, तो वो लोग कंट्रोल करते हैं, एक्चुअली गवर्नमेंट, एक्चुअली रूल वही लोग करते हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट को कहा जाता है एंडार्की। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, तो एंडार्की के बाद लिखिए, देखिए लिखा हुआ है थियार्की, थियार्की या हैगियार्की। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी ये लगा होता है थियो, तो थियो किससे रिलेटेड होता है, गॉड से रिलेटेड होता है, या फिर ये किससे रिलेटेड होगा, रिलीजन से रिलेटेड होगा। ठीक है, गॉड या रिलीजन, तो इसका मतलब क्या होगा, रूल ऑफ गॉड। अच्छा, रूल ऑफ गॉड भी आइडियल स्टेट है, भगवान जी यहाँ धरती पर उतर के भगवान विष्णु शासन नहीं चला रहे हैं, और रामायण महाभारत में उन्होंने उतार लिया था, बात दूसरी है, लेकिन ऐसे ही भगवान, मतलब गॉड जो है वो धरती पे रूल नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, बाय द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर गवर्नमेंट चलती है, रिलीजन के नाम पर गवर्नमेंट चलती है। तो धर्मतंत्र तो बहुत सारे देशों में था, बहुत सारे देशों में रिलीजन के नाम पर चलता गवर्नमेंट चलाई जाती थी, तो उसी को जब रिलीजन के नाम पर चल रही हो, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी बहुत लोगों का मानना है कि यहाँ पर हैगियार्की चला करती थी, कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ प्लूटार्की चला करती थी क्योंकि अमीर लोगों का यह शासन हुआ करता था, तो अलग अलग लोगों का मत है। धर्म के नाम पर या धर्म गुरुओं के द्वारा शासन चलाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, थियार्की या हैगा, हैगियार्की करेंगे। अनार्की क्या होता है, ये देखिए, ये अनार्की, तो अनार्की क्या होता है, आ लगा दिया तो इसका मतलब जानते हैं, आ लगा दिया तो ये अपोजिट हो गया, आर्की का मतलब होता है रूल, तो अनार्की का मतलब क्या होता है, अराजकता। अराजकता का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर कोई राजा ही नहीं है, अनार्की मतलब अराजकता। अराजकता मतलब क्या हुआ, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लैक ऑफ एनी रूल, तो ये स्टेट ऑफ नो रूलर, क्या होता है, स्टेट ऑफ नो रूलर या लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ कोई नियम कानून ही नहीं होता, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं होता, वहाँ पर अराजकता होती है, इसीलिए कहते हैं अनार्की। अनार्किस्ट कौन कहा जाएगा, अब आपसे एक वर्ड पूछें अगर हम, तो हु विल बी कॉल्ड अनार्किस्ट, अनार्किस्ट किसको कहेंगे, ये है हमने आपको वर्ड दिया, अनार्किस्ट कौन होगा, और अनार्किस्ट होता है अराजक या उपद्रवी, जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता, उसे क्या कहते हैं आप, अनार्किस्ट। किससे बना हुआ है, अनार्की से बना हुआ है। ठीक है ना, अब एक वर्ड आया आपका फिर से प्लूटार्की। तो थोड़ी देर पहले का हमारा वो बात याद रखिएगा, जब मैंने कहा था प्लूटो, प्लूटो मैंने क्या होता है, धनी लोग, अमीर लोग,
तो प्लूटार्की क्या होगा, रूल ऑफ रिच या वेल्थी पीपल। कभी डायरेक्ट करते हैं, कभी इनडायरेक्ट करते हैं, कभी ये लोग डायरेक्ट शासन करते हैं। वैसे ना प्लूटार्की अभी ज़्यादा आई नहीं है, ज़्यादातर अमीर लोग जो होते हैं ना वो सीधे राजा बनते नहीं हैं, वो किसी उल्लू को राजा बना देते हैं। उल्लू मतलब इन द सेंस कि जिसको वो बेवकूफ़ बना सकें, जिसको आप कान उमेट के काम करा सकें अपना, तो वही होता है प्लूटार्की। राजा नाम मात्र का होता है और सारे धनी लोग उस पर कंट्रोल रखते हैं। तो सब कुछ ज़्यादातर जो टॉप क्लास की कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट होती हैं उनके यही हो जाने का डर रहता है। ठीक है, खैर हमें तो वर्ड्स से मतलब है, ये वर्ड्स हैं आर्की से रिलेटेड, बहुत सारे वर्ड आप लोगों ने पढ़े। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रैसी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं एक गिलास थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, मुँह दर्द करने लगा। चलिए फिर आते हैं। ये क्रैसी है, क्रैसी एक्चुअली ग्रीक भाषा का एक वर्ड है ना, क्रैशिया। ठीक, ग्रीक में एक वर्ड होता है क्रैशिया, उसी क्रैशिया से बना हुआ है ये वर्ड, ठीक है ना। और क्रैशिया का मतलब क्या होता है ना, कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, क्रैशिया का मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, क्या होता है वो, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का तरीका होता है। चलिए तो इसमें भी देखिए, जो पहले रूट बताए हैं उसमें भी बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, कुछ नए भी वर्ड मिलेंगे, ऐसा नहीं है, रूट के अलावा भी बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, लेकिन जो रूट वाले मिलेंगे उनको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, हम रूट जानते हैं। तो गायनोक्रेशी, गायने को क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आया था ना गायने को, मैंने कहा था गायन को माने क्या होता है, गायन माने होता है वुमेन, गायन माने वुमेन। तो गायनोक्रेसी क्या हो गई, गवर्नमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। जैसे बांग्लादेश में है महिला हैं प्रधानमंत्री हैं, तो वहाँ क्या कह दिया जाए, कहा जा सकता है गायनोक्रेसी है। चलिए कैकेस्टोक्रेसी, तो मैंने एक वर्ड आपको बोला था कैको, याद है आपको, कैको मैंने कहा था, कैको मैंने वीक या दुष्ट लोग होते हैं, बैड लोग होते हैं। तो कैकेस्टोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ बैड या विक्ड पीपल, ठीक है, समझ में आया। नियोक्रेसी, नियो आपको याद हो तो मैंने बताया था, नियो का मतलब होता है नौसिखिया या अनुभवहीन, अनएक्सपीरियंस्ड। तो नियोक्रेसी क्या होगी, गवर्नमेंट ऑफ अनएक्सपीरियंस्ड पीपल, मतलब जब एकदम से नए नए 20-22 साल के लोग, 25 साल के लोगों को सरकार बनाने का मौका दे मिल जाए और यही सब लोग मंत्री और ये सब बन जाएं, तो इन लोगों में एक्सपीरियंस की कमी होती है। तो जब हमारे गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस की कमी होती है तो हम उसको कहते हैं नियोक्रेसी, ठीक है। आगे बढ़िए, एरिस्टोक्रेसी, तो एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं, ये बना है किससे, एरिस्टोक्रेट से। एरिस्टोक्रेट्स का मतलब क्या होता है, ये नोबल क्लास के लोग होते हैं, या नोबिलिटी, या जिसे कहते हैं प्रिविलेज्ड क्लास, जो विशेष अधिकार प्राप्त है। तो इसमें ये हो जाते हैं राजा के मतलब बड़े ऊपर क्लास, ऊपर के क्लास के सामंत लोग हो जाते हैं, जिसमें राजा के साले, बहनोई, भाई, भतीजे, ये सब लोग शामिल रहते हैं। तो अगर यही लोग सरकार में शामिल रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एरिस्टोक्रेसी कहेंगे, ठीक है। तो जैसे अटॉर्की था वैसे ही ऑटोक्रेसी भी एक वर्ड हो गया। इसमें किससे बना हुआ है, ये ऑटो से बना हुआ है। ऑटो का मतलब क्या होगा, एक व्यक्ति होगा जिसके पास अनलिमिटेड पावर होगी। यही अटॉर्की में था, यही ऑटोक्रेसी में भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति होगा जिसमें अनलिमिटेड पावर। देखिए गवर्नमेंट ऑफ अ पर्सन विद अनलिमिटेड पावर, तो इससे रिलेटेड दो वर्ड हो गए, एक हो गया आपका ये अटॉर्की हो गया, और एक याद आया आपको थोड़ी देर पहले आया था ये ऑटोक्रेसी है, वो अटॉर्की था, ठीक है। वो क्या था, ऑटो में आर्की लगा हुआ था, तो ये ऑटो में क्रेशी लगा है, वो ऑटो में आर्की लगा हुआ था, ठीक। जो हम लोग थोड़े आर्की वाले में पढ़ रहे थे वहाँ भी ये वर्ड मिला था, मीनिंग दोनों की सेम होगी, ठीक है। ऑटोक्रेसी अटॉर्की हो गया। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो क्या होता है, ब्यूरो ऑफिशियल्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट कहा जाता है उनको। तो गवर्नमेंट किसकी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स कह दिया जाएगा, या गवर्नमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स कह दिया जाएगा, या गवर्नमेंट ऑफ सिविल ऑफिशियल्स कह दिया जाता है। तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या चल गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ब्यूरोक्रेसी तक आ चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी के बाद हमारा अगला जो रूट है देखिए यह है जेरोंटो। आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले आपको याद दिलाया था एक बार, जेरोंटो माने होता है ना बुढ़ापा या बूढ़ा। तो इसमें जेरोंटोक्रेसी अगर कहीं लिखा हो तो क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ ओल्ड पीपल, क्लियर। प्लूटोक्रेसी अभी थोड़ी देर पहले आया था, प्लूटार्की, प्लूटोक्रेसी हो गया, प्लूटार्की हो गया, आर्की हो जाएगा कौन सा, आर्की हो जाएगा रूल, और क्रेसी हो जाएगा गवर्नमेंट। तो प्लूटार्की या प्लूटोक्रेसी दोनों क्या हो जाएगा, अमीर लोगों का, देखिए रिच या वेल्थी पीपल की गवर्नमेंट हो जाएगी। अच्छा एक और नाम है
प्लूटोक्रेसी प्लूटार्की के अलावा इसका एक और नाम है टाइमोक्रेसी। ध्यान रखिएगा, टाइमोक्रेसी भी प्लूटार्की ही है या प्लूटोक्रेसी ही है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। वो टाइम की गवर्नमेंट नहीं होती है, वो वेल्थी पीपल के लिए ही, वेल्थी गवर्नमेंट के लिए। प्लूटोक्रेसी का ही एक दूसरा नाम है टाइमोक्रेसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मेरिटोक्रेसी क्या होता है? मेरिटोक्रेसी जो है ये किस वर्ड से बना हुआ है? मेरिट से बना हुआ है। और मेरिट का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? मेरिट का मतलब कहते हैं ना, इसमें मेरिट इतनी गई है, मेरिट का मतलब योग्यता, क्या होगी? योग्यता। तो मेरिटोक्रेसी क्या होगी? जाहिर सी बात है, नाम से जहाँ तक जाहिर हो रहा है वो क्या है कि मेरिटोरियस लोग होंगे। मेरिटोक्रेसी क्या होगी? गवर्नमेंट ऑफ मेरिटोरियस पीपल। मेरिट, ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी होगी क्योंकि मेरिटोरियस पीपल होंगे इसमें, सब के सब बहुत ही योग्य, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही समझदार बुद्धिमान लोग होंगे, तो उसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी, जब केवल मेरिटोरियस लोग गवर्नमेंट में भाग लेते हैं। अगला वर्ड आया आपका टेक्नोक्रेसी। तो टेक्नोक्रेसी किससे बना हुआ? टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो टेक्नोलॉजी से बना वर्ड है, इसका मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें केवल टेक्नोक्रेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ टेक्नीशियंस, मतलब सारे के सारे डॉक्टर और बीटेक और यही सब लोग, मतलब जितने भी टेक्निकल लोग हैं वही सब लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, तो वो हो जाएगा टेक्नोक्रेसी, ठीक है। आने वाले भविष्य के बारे में लोग यही सोच रहे हैं कि शायद आने वाले समय में टेक्नोक्रेसी ही आने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में गवर्नमेंट, मतलब ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ना पुलिस होगी ना कोई होगा, कुछ नहीं होगा, आप सड़क पे जा रहे हैं, सब कुछ कंप्यूटर से मॉनिटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अंदाज़ा लग रहा है कि शायद 50-100 साल के बाद टेक्नोक्रेसी का ही ज़माना होगा। अगला वर्ड है हमारा मोबोक्रेसी। तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था मोब माने क्या होता है, मोब माने होता है पीपल, पब्लिक होती है, या ओकलो, ओकलो का मतलब क्या होता है? वही क्राउड, लोग, भीड़। तो मोबोक्रेसी के हैं चाहे ओकलोक्रेसी के हैं, ये क्या होता है? क्राउड या मोब, ठीक है ना। कभी कभी भीड़ पगला जाती है तो शासन पर कब्जा कर लेती है, कभी कभी ऐसे ही जहाँ जहाँ क्रांतियाँ हुई हैं शुरुआत में सब ऐसे ही हुआ है, बाद में सब सिस्टमेटिक हुआ। तो वहाँ पे जब भीड़ शासन पर कब्जा कर लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्जा कर लेती है, हालांकि कभी भी ओकलोक्रेसी या मोबोक्रेसी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। जिन भी देशों में ऐसी चीज़, ऐसी स्थितियाँ उपस्थित हुई हैं, वहाँ पर मोबोक्रेसी का गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीना 3 महीना, बस इससे ज़्यादा नहीं चली है, बाद में उसको सिस्टमेटिकली कोई रिप्लेस कर लेता है। तो मोबोक्रेसी या ओकलोक्रेसी का मतलब हो गया कि जब गवर्नमेंट पर कौन मोब का या क्राउड का कब्जा हो जाता है। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है, मतलब सिमिलर है, सेम नहीं है, डेमोक्रेसी। तो डेमो का मतलब क्या होता है? पीपल। तो पीपल का मतलब जानते हैं, पीपल का मतलब भीड़ नहीं, वो पगलाई हुई भीड़ नहीं है, अनियंत्रित भीड़ नहीं, अनकंट्रोल्ड मोब नहीं होता, वो रेबलमेंट नहीं होता। एक्चुअली डेमो का मतलब होता है किसी देश के सिटीजन होते हैं, और डेमोक्रेसी की ये डेफिनेशन दी थी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, देखिए ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये डेमोक्रेसी कही जाती है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों से, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा होती है। ये डेफिनेशन किसकी है पता है? ये डेफिनेशन आपको दी थी अब्राहम लिंकन ने, ठीक है ना। किसकी है? अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है, उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है, तो वो हो जाता है डेमोक्रेसी। अगला है पेंटिस्कोक्रेसी, ठीक है ना, ये पेंटिस्कोक्रेसी है। पेंटिस्कोक्रेसी क्या होता है? एक भी एक यूरोपियन गवर्नमेंट है, आइडियल है, हकीकत में कभी ज़मीन पर ऐसा हो ही नहीं पाया है और ना ही हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये है एक इगैलिटेरियन कम्युनिटी की को सपोर्ट करता है, एक इगैलिटेरियन कम्युनिटी को ये प्रेफर करता है। इगैलिटेरियन मतलब समझ रहे ना, ये होता है समतावादी समाज, ये एक ऐसी सरकार, एक ऐसा प्रशासन जहाँ पर जो समाज हो वो क्या होगा? समतावादी। और आप जान रहे हैं अच्छी तरह से कि समतावादी समाज फिलहाल अब आने की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, जब तक कि पूरे विश्व में एक साथ क्रांति ना हो जाए, ठीक है। तो पेंटिस्कोक्रेसी क्या है? पेंटिस्कोक्रेसी समतावादी समाज है, इगेलिटेरियन सोसाइटी है, जो कि एक यूरोपियन फॉर्म है गवर्नमेंट की। प्रैक्टिकल प्रोग्मेटिज्म इसमें कहीं नज़र नहीं आता, ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं लगता है, ठीक। फिलहाल अगर आज जैसे लोग हैं, इसी तरह के लोग रहे तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेंटिस्कोक्रेसी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, पेंटिस्कोक्रेसी के बाद क्या है? थियोक्रेसी है। देखिए तो ये थियोक्रेसी अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, थियो माने क्या होता है? धर्म, या हैगियो माने क्या होता है? धर्म। तो थियोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? वही जो थियोआर्की था वही थियोक्रेसी है। तो थियोआर्की और थियोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? भगवान के नाम पर शासन होता है, वो हो गया।
स्टेटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट ऑफ मिलिट्री, जैसे दूसरे देशों में होता है कि शासन पर गवर्नमेंट जो है मिलिट्री कब्जा कर लेती है, गवर्नमेंट पर मिलिट्री अधिकार कर लेती है। ऐसे क्रेटोक्रेसी, एक वर्ड है क्रेटो, क्रेटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत, जैसे जंगल शेर का होता है तो वही है क्रेटोक्रेसी, जिसकी ताकत जिसके पास लाठी उसी की भैंस, ठीक है। तो ये बलवान की सरकार हुई। अगला क्या होगा, डेवलोक्रेसी, ठीक है। डेवलोक्रेसी ये देखिएगा बड़ा अजीब सा नाम है, इंपॉर्टेंट है। डेवलोक्रेसी क्या होता है, डेविल, ठीक है ना, गवर्नमेंट रन बाय अ डेविल, जब कोई शैतान, जब कोई राक्षस, ठीक है ना, किसी कहीं किसी स्टेट पर गवर्नमेंट पे कब्जा कर लेता है और वो कोई राक्षस व्यक्ति, कोई शैतान टाइप का व्यक्ति गवर्नमेंट करने लगता है, रूल करने लगता है, तो उसे कहा जाता है डेवलोक्रेसी, ठीक है ना। डेवलोक्रेसी के बाद एक वर्ड दिया हुआ है आपको क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो मैंने कहा था, क्लेप्टो मैंने क्या होता है, चोर या चोरी, तो क्लेप्टोक्रेसी क्या होगा, चोरों की सरकार, ठीक है ना। तो क्लेप्टोक्रेसी हो गई, चोरों की सरकार हो गई भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे वर्ड हो गए, बस कुछ एक आखिरी पॉइंट है, थोड़ा सा एक मिनट की बात और है, इसमें कुछ बहुत काम की चीज़ है। इन तीन नोट्स में आप ध्यान रखिएगा कि एक तरह की सरकार के जितने नाम मिले थे वो मैंने इकट्ठा कर लिया है। जैसे देखिएगा, एक वो नाम मिलेगा आपको एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म या फिर आप कहते हैं डिस्पोटिज्म, या उसी को कह सकते हैं आप टोटलिटेरियनिज्म, आप उसी को कह सकते हैं ऑटोक्रेसी, या उसी को आप कह सकते हैं अटॉर्की। मतलब ये सारे के सारे नाम किसके हैं, तानाशाही, निरंकुश तंत्र, ठीक है ना, क्या हो गया, तानाशाही हो गया या निरंकुश तंत्र हो गया। तो ये सारे के सारे शब्द उन्हीं के लिए लगे हुए हैं, ठीक है ना, तानाशाही या निरंकुश तंत्र। कौन कौन से वर्ड हैं एक बार फिर देख लीजिए ताकि याद रहे, एब्सोल्यूटिज्म, तानाशाही, डिस्पोटिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, ऑटोक्रेसी या अटॉर्की, ये सब तानाशाही होते हैं, ठीक है। अमीर लोगों वाले शासन के लिए क्या है, एक था प्लूटोक्रेसी, एक था प्लूटार्की, प्लूटो मने कुबेर होता है पता ही है, एक था टाइमोक्रेसी, तीनों आपको पहले से भी मिल चुके हैं। एक और वर्ड है देखिए, हैगियार्की, हैगियोक्रेसी, हैगियो मैंने कहा था गॉड के लिए लगता है, तो हैगियोक्रेसी कहें या थियोक्रेसी कहें या थियार्की कहें या हैगियार्की कहें, ये ठीक, ये सब में थियो हैगियो, थियो हैगियो ये लगा हुआ है। एक वर्ड और आपको मिलेगा, एपिस्कोपेसी, क्या मिलेगा, एपिस्कोपेसी। तो ये एपिस्कोपेसी भी उसी धर्मतंत्र के लिए या गवर्नमेंट ऑन द नेम ऑफ गॉड या गवर्नमेंट बाय द रिलीजियस पीपल, इन लोगों के लिए यूज किया जाता है एपिस्कोपेसी भी। तो ये गवर्नमेंट से या रूल्स से रिलेटेड कुछ वर्ड जो हमने कलेक्ट किए थे, जो हमको इधर उधर के सोर्सेज से मिले हैं। इसमें ज़्यादातर वर्ड तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वर्ड्स हैं, ठीक है, मैंने वो कहीं और से नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर के पेपर से ही कलेक्ट किया है। कुछ मैंने और थोड़ा एफर्ट किया था तो कुछ और वर्ड मुझे मिल गए थे, तो मुझे फिलहाल जितने वर्ड मिले थे वो सब मैंने सारे के सारे आपको बता दिया। ईमानदारी से एक भी वर्ड मेरे पास अभी सेफ बचा हुआ नहीं है, सारे के सारे हमने आपको दे डाले हैं, ठीक है। तो ये था मेरा एक और प्रयास थीमेटिक वोकैब का, जिसमें आज हमने डिस्कस किया रूल्स और गवर्नमेंट के नेचर के बारे में, और इसी तरह से किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर फिर हम थीमेटिक वोकैब लेके आप लोगों से मिलेंगे। आप लोगों से कोऑपरेशन की और सुझाव की आप समझ लीजिए कितनी दरकार है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई नो हाउ मच आई नीड योर सजेशंस, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे हम लोग, टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, गॉड ब्लेस यू।